to stand or is it okay? हेलो नमस्कार, आप सभी को अलग अलग उससे हैं आप। मेरा नाम विक्रम शंकर है और आप सबका स्वागत है। सर, जब तुम कहो की बात करें तो क्या है, स्टोरी क्या है, कैसे आप वहाँ मिली, किस तरह से आपके हाथ आई? देखिए, जैसे कि हमारे एक्टर ने भी आपसे बताया, प्रवीण ने बताया आपको कि एक एक पर्सन की कहानी है जिसे कॉलेज टाइम पे कोई लड़की डिच करती है रईस आदमी के लिए या फिर उसे छोड़ के चली जाती है। नाउ उसे दूसरी लड़की उसके लाइफ में आती है और उसमें एक ट्विस्ट टर्न क्या डाला है मैंने कि वो लड़की फ़ोन पे मिलती है, जो कि नॉर्मली है आजकल सोशल मीडियाज़ पे मिल जाते हैं या फिर क्लब्स में मिल जाते हैं, एक दिन की मुलाकात होती है और दोस्ती बढ़ जाती है। वैसे ही ये लड़की फ़ोन पे मिलती है और दोनों की बातचीत बढ़ती है, फिर उसके बाद वो एक दिन मिलने के लिए बुलाती है और जो कुमार का करेक्टर है वो किस माइंड ऑफ स्टेटस से जाता है, बिकॉज जब पहला उसने प्यार किया था ही बिलीव दैट कि वो ट्रू लव था, अब वो उस माइंड स्टेटस से जा रहा है कि भाई वापस मेरे साथ, मतलब मैं जाऊँ मिलूँ, लड़की मुझे पसंद करे ना करे, आई थिंक कहीं ना कहीं मुझ में प्रॉब्लम हो। तो देर इज़ अ मतलब लव और लस्ट के बीच की जो डोर होती है उसे लेके वो वहाँ पहुँचता है और फिर क्या होती है कहानी में आगे वो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। फिल्म के डायरेक्टर भी आप हैं, प्रोड्यूसर भी आप हैं, तो कैसे? नहीं नहीं, एक्चुअली में क्या है कि प्रोड्यूसर मैं नहीं हूँ। आजकल बॉलीवुड में एक ट्रेंड चल गया है, आपने सुना होगा कि डायरेक्टर को पेमेंट अगर नहीं दिया जाए तो कुछ परसेंटेज दे दिया जाए, तो उस चक्कर में मुझे प्रोड्यूसर इन लोगों ने बना दिया है। अदरवाइज मतलब मेरा कोई लेना देना नहीं है पैसे और उन लेन देनों से। मैं तो कहानी लिखने वाला आदमी हूँ, मतलब आई एम अ मास्टर ऑफ नथिंग इफ आई डोंट मेक मूवीज बेसिकली। तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता अगर फिल्में और कहानी, हाँ कहानियाँ मेरे पास एक से एक है। आप लोग कभी बैठिए मैं हर रोज़ एक कहानी सुना दूँगा। अभी आप लोगों ने कैमरा लगा रखा है, मैं कैमरे पे एक कहानी लिख दूँगा, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे मुझे। तो टोटली मेरा फोकस वही है, मैं डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर ही रहना चाहता हूँ। मेरे जितने आगे के प्रोजेक्ट हैं उसमें भी मैं एज ए राइटर डायरेक्टर ही एस्टेब्लिश हो रहा हूँ और वही होना चाहूँगा बेसिकली। आगे इन फ्यूचर देखते हैं क्या कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आपके पास बहुत सारी स्टोरी है, 5-10 मिनट एक स्टोरी लिखी, तो आने वाले वक्त में क्या फिल्मों का अंबार लगेगा? हाँ देखिए, अंबार तो नहीं कह सकते क्योंकि क्या है कि फैक्ट्री बनाने के मूड में तो नहीं, फिल्में फैक्ट्री होती तो फिर फैक्ट्री फिल्मों में फ़र्क होता, पर यह है कि कहानियाँ लिखी हुई हैं बहुत सारी और कोशिश जारी है उसमें। एक फिल्म इसी साल हम लोग लेके भी जाएंगे 4 पे, अच्छे उनके साथ बात चल रही है मेरी, मैं भी रिवील नहीं करना चाहूँगा, पर वेल नोन एक्टर हैं और अच्छे नाम हैं उनके, उनके साथ मेरी बात चल रही है और ऊपर वाले ने चाहा तो शायद मिड ऑफ मे और लास्ट मे में हम लोग फ्लोर पे चले जाएंगे। आपके हिसाब से USP क्या होगी फिल्म की? म्यूज़िक होगा, कॉमेडी होगा, जिस तरह से ट्रेलर में दिखाएगा म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा है, तो क्या होगा आपके हिसाब से? देखिए, फिल्म के अंदर आप लोग देखें तो मतलब सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि स्टोरी बहुत अच्छी है, क्योंकि कहानी आज के फिल्मों में मिलती नहीं है। कोई भी कहानी फिल्म उठा लीजिए आप, अगर आप रोम कॉम किसी फिल्म को कहते हैं या सेक्स कॉमेडी भी कहते हैं लोग, तो उसमें गैग्स होते हैं। मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोग खुद देख कर ये सोच सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादातर गैग्स होते हैं, स्टोरी लाइन नहीं होती। मेरी फिल्म में कहानी है, एक कॉमन मैन की कहानी है जो आपको टच करेगी। आई एम श्योर कि यहाँ आप लोग 5-6 लोग हो, उसमें से मतलब आप 5 या जो 6 लोग हैं आप में से, उसमें से 3 लोग ज़रूर अपने आप को कनेक्ट करेंगे इस स्टोरी के साथ कि मेरे साथ ये घटना घटी थी, यस आई एम कुमार, मैं कुमार हूँ। तो इसलिए कहानी बहुत अच्छी है पहली बात। दूसरी बात, फिर कहानी को पिरोने की कोशिश की गई है। बहुत ही लो बजट मूवी है, आप लोग देख रहे हैं, मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि मैं बहुत ही बड़ी फिल्म बना सकूँ या बड़े स्टार कास्ट ले सकूँ। तो मेरे करेक्टर में प्रवीण फिट हो रहे थे, मैंने प्रवीण को लिया और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। तो ये करेक्टर की फिल्म है, ये हीरो की फिल्म नहीं है, ये हीरोइन या उनकी फिल्म नहीं है। तो जब करेक्टर की फिल्म है तो उसमें म्यूज़िक स्ट्रांग होना चाहिए, स्टोरी स्ट्रांग होना चाहिए और करेक्टर अपना जो रोल प्ले करे वो अच्छा करना चाहिए। वो उन्होंने किया है तो पूरी फिल्म एंटरटेनमेंट कह सकते हैं। अच्छा, स्टार कास्ट की सिलेक्शन आपने कैसे किया, कैसे सिलेक्शन, कैसे वो कलाकारों को? हाँ, मैं इस कहानी को लेकर, वही अगेन बॉलीवुड में जो बात होती है कि बजट आपका मैटर करता है, आप एक अच्छी कहानी लिखने के बाद भी, मैंने कुछ अच्छे उनको ट्राई करने की कोशिश की थी। अभय जी से मैंने, अभय देओल से बात की थी मैंने, बट वो टाइम नहीं था और फिर बजट नहीं था मेरे पास। फिर संजय सूरी के साथ मेरी मीटिंग हुई थी, देन संजय सूरी सजेस्ट मी कि आई एम नॉट फ्री राइट नाउ, बट यू कैन आस्क प्रवीण फॉर दिस। तो फिर मैंने प्रवीण जी को कॉल किया, प्रवीण जी ने इमीडिएटली मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग ही अपने घर बुलाया था।
वहाँ पे मैंने नरेट किया इनको, इमिडिएटली इन्होंने ओके की कि भाई अच्छा है, थोड़ा हटके है, थोड़ा आज के यूथ को टारगेट करके लिखी गई है फिल्म, और वल्गर नहीं है मेरी फिल्म। मैं एकदम ही, मतलब आपको जो भी लगता होगा कि वल्गर है, फिल्म बिल्कुल वल्गर नहीं है। फिल्म हमारे माइंड में जो एक नेगेटिव थाट बोलिए या फिर सेक्स को लेकर जो एक इमेज बनी हुई है उसके ऊपर की कहानी है। मतलब एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था कि एवरीवेयर इज सेक्स एक्सेप्ट इट शुड बी, मतलब सब जगह सेक्स है, पेन सेक्सी हो गया है, जीन्स सेक्सी हो गई है, कार सेक्सी हो गई है, बट अगर जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, अदरवाइज इतने डिवोर्स नहीं होते इन चीज़ों को। तो बहुत ही छोटी छोटी बारीक चीज़ों को मैंने ध्यान रखा है इस फिल्म कहानी में, और बस नरेटर हूँ मैं फिल्म के माध्यम से, अपनी कहानी कहना चाहता हूँ। थैंक यू, वेलकम। क्योंकि बाबूजी इस अंधविश्वास में नहीं मानते।